होने के लिए तो मेरा पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? एसी चलाने के लिए तेल नहीं है। एक ही उपाय है दोस्तों, बैगन, नजदीकी एटीएम। अरे भाई लोग, पैसे निकलने हैं। हाँ देखो, छोटा छोटा बच्चा लोग भी ज्यादा गर्मी होने की वजह से स्कूल से आते ही सीधा एटीएम में घुस गया हवा खाने के लिए। इतना गर्मी देगा तो कैसे चलेगा? ओ थोड़ा ऊपर टेरिस में जाएगा। इधर ये बिल्डिंग के ऊपर में थोड़ा ठंडा होता है, इधर ही चलता हूँ। टॉप फ्लोर में थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा हवा भी आ रहा है, थोड़ा राहत का सांस ले रहा हूँ मैं। वाह मस्त नजर है भाई यहाँ से तो। ये गाइस हम लोग का छोटा सा जयरामपुर टाउन, लेकिन क्या करेगा, सुंदर होने से भी गर्मी इतना ज्यादा है। हाँ ये आम का पेड़ हम लोग को बचा के रखा है। हे सूर्यदेव, इतना गर्मी क्यों दे रहे हो? शुक्र है कि एक आम का पेड़ है जिसका नीचे हम लोग बैठ के थोड़ा सा आराम करते हैं। मार्केट में पेड़ का कमी हो गया, इसलिए मैंने कल परसों एक प्लांट लगाया था। यहाँ में देखिए, ये वाला प्लांट जिसको यह दुकानदार भैया राम जी ने पूरा अच्छा से पिंजरा लगा के इसको सेफ्टी करके रखा हुआ है, जो कि बड़ा होके एक छायादार पेड़ बनेगा। और ये जाली लगाया ताकि कोई जानवर इसे ना खा पाए। और वहाँ आगे भी एक प्लांट लगाया था जो कि अभी उसमें तो किसी ने जाली नहीं लगाया, फिर भी वो भी ग्रो हो रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा है, एक एक मिनट पार करना भी मुश्किल है, इसलिए मैं तो पंखा, रेडीमेड पंखा कार्टून को लेके चल रहा हूँ। इस गर्मी में बसने का बस एक ही उपाय है, पेड़ का छाया, जो कि हम लोग का पास एक ही है आम का पेड़ बचा हुआ है अभी मार्केट में, सबसे बड़ा और सबसे पुराना आम का पेड़। इसलिए आपको हम हमेशा बोलते हैं, पेड़ लगाओ, खुद को बचाओ। ओहो मेरा बसंती तो धूप में तप रहा है बेचारी, उधर देखिए धूप में है, छाया ही नहीं है रखने के लिए। जितना छाया वाला जगह सब पहले से ऑलरेडी रिजर्व है, इसको मेरा गाड़ी को कहीं छाया में रखना पड़ेगा। आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो आप अपने नज़दीकी एसबीआई में आ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री एसी मिलने वाला है। एसी का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को हैंडमेड पंखा ही काफ़ी है। और ये छोटी बच्ची आई है, इसको भी पंखा मार देता हूँ मैं। लो पंखा लो, बेचारा इतना गर्म हो रहा होगा ना, गर्म हो रहा है ना, गर्म हो रहा है ना। बूढ़ा तो बूढ़ा, बच्चा लोग भी गर्मी से परेशान है। होने के लिए तो मेरा पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? गाड़ी में एसी भी है, एसी चलाने के लिए तेल नहीं है। बहुत दुख का बात है, बहुत दुख का, तेल भराने का पैसा नहीं है एसी चलाने के लिए। पैसा डाल दो मेरे अकाउंट में, डाल दो। बस एक ही उपाय है दोस्तों, बैगन, नजदीकी एटीएम, जहाँ में एसी फ्री है। और यहाँ में मेरा दोस्त लोग भी एसी खा के आया बोलता। आप लोग क्या एटीएम में था क्या? यस, एसी चल रहा है बढ़िया, एकदम कूल कूल। इतना जल्दी क्यों आ गया घुस के? क्या करे, काम हो गया ना, निकल के आना पड़ा, थोड़ा बैठना था अंदर में, पाव दर्द दे रहा है, बल्कि रुक जाना था। ये भैया शायद, मुझे लग रहा है ये एटीएम में ही जा रहा है बहाना, इसे हम लोग पीछे से एक्सपोज करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पैसा वैसा निकालना है भैया आपको? एटीएम खराब है तो आप क्या देखने आए क्या? भैया पैसा निकाल लिया, भैया पैसा तो निकाला नहीं, आप इसे जा रहे एटीएम से? ये देख लो, आज आज हम एक्सपोज किया भैया को। कम से कम दिन में दो दो मिनट, तीन तीन मिनट एसी खाने के लिए जरूर आता है ये ड्राइवर लोग। इन लोग को हम आज पूरा एक्सपोज कर रहे हैं, देखिए आप लोग चेहरा अच्छा से। ये फिर आया अभी ठंडा हवा खाने के लिए, अपने मुंह ढक के खड़ा है। और बाहर एक डोगी आया हुआ, इसको भी मालूम है हमें एसी है बोल के। तो गेट हम लोग ने बंद कर दिया था, तो वो बेचारा बाहर ही रुका हुआ है। तुमको भी चाहिए क्या एसी? अरे भागो मत यार, भाग गया दरवाजा का आवाज सुन के। अरे भाई लोग, पैसे निकलना है, पैसे निकलना है। हाँ रोज आता है क्या आप लोग? क्या नाम है? हाँ गुड बॉय। कितना क्लास में पढ़ता है आप? हम जीरो क्लास में। जीरो? हाँ। अरे बोर्ड में। आप क्या नाम है? बंगला। आप लोग रोज आते हैं भाई एटीएम में? नहीं। खा के जाओ, हवा खा के जाओ, थोड़ा आगे में जाओ, इतना गर्मी है। देखो पसीना, देखो बेचारा इतना ज्यादा है। कौन आइडिया दिया आप लोग को? ये सोशल मीडिया से आइडिया मिला है ना? देखो छोटा छोटा बच्चा लोग भी ज्यादा गर्मी होने की वजह से स्कूल से आते ही सीधा एटीएम में घुस गया हवा खाने के लिए। तो किस तरह गर्मी से हम लोग झुलस रहा है और एटीएम का किस तरह हम लोग उपयोग कर रहे हैं आपको दिखाया, और एक भैया को एक्सपोज भी करके दिखाया मैंने आपको। तो यूँ गर्मी तो ऐसे चलते रहेगा,
ठंडा सीजन भी आ जाएगा, गर्म सीजन भी चला जाएगा, तो इसी तरह ब्लॉग चलता रहेगा। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।